ये दीप जलाइए। कभी पानी से दीप जलाए मूर्ख? साईं बाबा ने जलाए हैं, पानी से दीप जलाए हैं साईं बाबा ने। श्यामा, तुम मेरे सामने मेरे गुरुदेव का अपमान कर रहे हो। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान भी नहीं होता, नहीं होता भगवान। देखा मालिक, देखा, तुम्हारा इंसान मुझ पर बिगड़ रहा है। माँ, ये सुमित्रा कहीं गंगू मौसी की बेटी तो नहीं? हाँ, उसी गंगू मौसी की बेटी है ये। मालिक, कमाल का है तुम्हारा ये इंसान, खुद दूसरों के साथ विश्वासघात करता है और विश्वास करता है कि दूसरे उस पर विश्वास करें। साईं बाबा तो आपको देखने तक नहीं आए। देखने ही नहीं, साईं नाथ तो मेरा उपचार भी करने आए थे। साईनाथ ही थे गुरुजी। साईं बाबा जैसे संतों की लीला हम साधारण लोगों की समझ के परे है गुरुजी। साईं बाबा श्री स्वामी समर्थ हमेशा अपने भक्तों का हित चाहते हैं। उनके बारे में हमारे मन में शक संदेह पैदा करना हमारे मन के कमजोर होने का संकेत है। एक समय की बात है, अक्कलकोट में उस समय रंगों की होली खेली जा रही थी। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ चिंतू पंत, चौबदार फिर से आया है। प्रणाम स्वामी जी महाराज। तुम फिर आ गए? क्या करूं स्वामी जी महाराज, राजे साहब ने चिंतू पंत जी को जल्द से जल्द बुलाया है। चिंतू पंत, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम जाओ यहां से। तुम अपनी जगह से क्यों उठे? दरबार में अगर तुम्हारी गर्दन उड़ा दी गई तो बैठ जाओ, दरवाजे के बाहर बैठकर हुकुम चला रहा है। चौकदार जी। गोपाल जी राव, राजे साहब क्या दरबार में नहीं है? नहीं, दरबार के दरवाजे के बाहर बैठे। दरवाजे के बाहर बैठकर हुकुम चला रहा है। राजे साहब दरवाजे के बाहर क्यों बैठे हैं? रंगों के त्योहार के लिए दरबार बुलाया था, तब गणपतराव खंडागले की कमर से लटकने वाली तलवार की नोक से सरदार बस्ते की पगड़ी उछलकर गिर गई। सरदार बस्ते ने इसे अपना अपमान समझकर गणपतराव खंडागले पर तलवार से वार कर दिया। बड़ी मुश्किल से दरबार में दोनों को अलग किया गया और खून खराबा होने से बच गया। राजे साहब ने सरदार बस्ते को अक्कलकोट से तड़ीपार कर दिया है। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। क्यों चिंतू पंत, दरबार में जाओगे? हर समय तलवार से पगड़ी नहीं गिरती, पगड़ी के अंदर का सिर भी गिरता है। तुम जाते तो तुम्हारी गर्दन कट जाती थी। आप तो सर्वज्ञ हैं स्वामी जी महाराज, अंतर्यामी हैं आप, भक्त वत्सल हैं, संकट मोचन हैं,
आप भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, इसीलिए आपने इस भक्त की रक्षा की। दरबार में दंगा फसाद हो रहा है ये जानकर आपने मुझे दरबार में नहीं जाने दिया। मैं कृतज्ञ हूं स्वामी जी महाराज, इसी तरह आपकी कृपा मुझ गरीब पर बनाए रखिए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु अक्कलकोट स्वामी जी महाराज की जय। ऐसी होती है संत महात्माओं की लीला, जो लोगों का कल्याण करने के लिए, उन्हें ज्ञान का साक्षात कराने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए की जाती है। साईं बाबा भी लीला ही कर रहे हैं गुरुजी, इस बारे में मेरे मन में जरा सा भी संदेह नहीं है। जब लीला खत्म होगी तब हम जान जाएंगे कि वो लीला क्यों कर रहे थे, वरना साईं बाबा द्वारिकानाथ जैसे षड्यंत्री का साथ क्यों और कैसे दे सकते हैं गुरुजी? ना तो हमें साईं बाबा पर गुस्सा आना चाहिए और ना ही हमारे मन में साईं बाबा के प्रति उनके उद्देश्य को शक और संदेह होना चाहिए। चलो साई के द्वार, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। आओ रे, मालिक की लीला किसी की समझ में नहीं आती द्वारिकानाथ जी। ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो साईं? राम राम राम, तुम तो ऐसे कह रहे हो साईं जैसे भगवान की सारी लीला तुम्हें ही समझ में आती है। अरे भैद जी, साईं तो भगवान है, भगवान है, शिरडी का भगवान। साईं, क्या शिरडी के लोग तुम्हें भगवान मानते हैं? वो उनका प्यार है गुरुदेव। प्यार है गुरुदेव? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हीं ने अपने भक्तों से कहा है कि तुम्हें भगवान कहें? हाँ। किसी को भगवान कह देने से क्या वो भगवान हो जाता है द्वारिकानाथ जी? ना 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 साईं, हमें शिक्षा देने की कोशिश ना करना, समझे? भगवान वो है जिसने हम सबको बनाया है, जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसका ना आदि है ना अंत, जिसका ना कोई आकार है ना विकार, सिर्फ वही है जिसे कल आज और कल का ज्ञान होता है, क्योंकि वो खुद वक्त है, वो स्वयं समय है। वाह वाह साईं वाह। सिर्फ वही जानता है द्वारिकानाथ जी की अगले पल क्या होने वाला है, हम नहीं जानते, ना आप जानते हैं वैद्य जी, ना ही द्वारिकानाथ जी। मैं जानता हूं साईं। तो फिर बता दीजिए द्वारिकानाथ जी, अगले पल क्या होने वाला है, और इस साईं बाबा को चुप कराइए। अरे अगले पल ये साईं अपने गुरुदेव की आज्ञा से हमारे लिए नाश्ता बनाने के लिए जाने वाले हैं। जय साई, जय साई, जय साई, जय साई शाम, जय
कौंडिया, ये सब के सब द्वारका माई की दिशा में जा रहे हैं। लगता है ये सब द्वारिका नाथ जी की धुलाई करेंगे, फिर पिटाई करेंगे, फिर सफाई करेंगे। क्या पकता है? अरे अकल के दुश्मन, रुक जा। साईं, जाओ हम सब के लिए नाश्ता बना कर लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। क्यों साईं, क्या कह रहे थे तुम? अगले पल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। मैं जानता था कि अगले पल तुम हमारे लिए नाश्ता बनाने जाने वाले हो। भगवान, भगवान। अरे क्या हुआ जीवा जी, हम इतने डरे हुए क्यों हो? वो शिरडी के लोग अंदर आ रहे हैं आपको पीटने के लिए। क्या है ये, क्या हो रहा है? अंदर कैसे आए तुम सब? हाँ, देवा मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैंने आपका अपमान किया, आप जो भी सजा मुझे देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। श्री सचिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। आपके भक्त ये भूल गए थे बाबा कि भगवान कभी गलत नहीं हो सकते। मालिक जो भी लीला करता है अपने भक्तों की भलाई के लिए ही करता है, लेकिन भक्तों को भगवान की लीला समझ में नहीं आती और भक्त नाराज हो जाते हैं बाबा। उन्हें लगता है भगवान ने उन्हें ठुकराया है। लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं ठुकराते बाबा। भगवान अगर ठुकराते भी हैं तो अपने भक्तों के हित के लिए ही ठुकराते हैं। वैद्य जी, ये सब चल क्या रहा है? हाँ, वो भी गुरुदेव की मौजूदगी में। राम राम राम। गुरुदेव, ये साईं तो आपके सामने अपनी तारीफों के पुल बांधता जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। हाँ, देख रहे हैं गुरुदेव, सब कुछ योजनाबद्ध है। हाँ वैद्य जी, ऐसा लग रहा है आपकी और द्वारिका नाथ जी की बुद्धि भोजन बद्ध हो गई है, इसीलिए ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं आप लोग। अरे चुप कर नालायक कहीं के। जलाओ मिल कर गाओ, ज्योत जलाओ मिल कर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिल कर गाओ, जी। हाँ? गुरुदेव की उपस्थिति में साईं की आरती। राम राम राम। द्वारिका नाथ जी, ये तो गुरुदेव का अपमान है। बंद करो। बंद करो ये सब। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ।
नाथ महाराज की। मैं पूछता हूँ ये सब क्या हो रहा है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बंद करो। देख रहे हैं आप गुरुदेव, गुरु के सामने शिष्य की जय जयकार। राम 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 राम। द्वारिका नाथ जी, ये सत्य है, ये पूरा कलयुग है, कलयुग। ए द्वारिका नाथ, तू क्या चाहता है कि हम तेरी जय जयकार करें? नौनिया। ए द्वारिका नाथ, चुप। साईं बाबा की जय जयकार करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है जौहर बाबा। साईं मेरा शिष्य है, मेरा चेला है। लेकिन आप साईं बाबा के गुरु नहीं हैं। साईं बाबा ने आपको अपना गुरु माना है, ये साईं बाबा की महानता है। वाह साईं वाह, नौटंकी बहुत अच्छी लिखी है तुमने हैं। और तुम्हारी नौटंकी के सारे पात्र संवाद भी अच्छे बोल लेते हैं। ढोंगी साईं। नौटंकी तो तुम सभी कर रहे हो वैद्य जी। लेकिन आप सब लोग ये बात भूल गए हो कि नौटंकी की भी अपनी एक सीमा होती है और उसके बाद उसे समाप्त करना होता है। और आपकी नौटंकी तो चलती ही जा रही है। यहाँ कोई नौटंकी नहीं चल रही है। और तुम लोग यहाँ से जाओगे कि नहीं? द्वारिका माई हमारी है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारे भगवान का मंदिर है। ये मेरा निवास स्थान है, मेरा घर है। ये मंदिर है और मंदिर में भगवान रहते हैं, शैतान नहीं। क्या कहा गुरुदेव? अब तुम सब लोग जाओ, हाँ जाओ, जाओ ना। बाबा, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। बाबा, आप शिरडी के प्राण हो बाबा। ये ऐसे नहीं मानेंगे गुरुदेव, जब तक इन पर लाठियां नहीं चलेंगी ना, ये नहीं जाएंगे। लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। सत्य वचन द्वारिका नाथ जी, सत्य वचन। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम सब यहाँ से जा रहे हो या नहीं? नहीं जाएंगे, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे गुरुदेव? ये साईं ने ही तो सबको बुलाया है। इस खेल का कर्ता धर्ता ये साईं ही है। झूठ है, झूठ है गुरुदेव। मैं अपने गुरु का अपमान कभी सोच भी नहीं सकता। सोच नहीं सकता पर देख सकता हूँ, है ना? द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा भगवान है, मालिक है। नहीं माँ जी, मैं तो मालिक का बंदा हूँ। इसलिए तो आप सब कुछ जानते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। मैं भी जानता हूँ माँ कि अगले पल क्या होने वाला है। अगर आप लोग द्वारिका माई छोड़कर नहीं गए तो मैं द्वारका माई ही नहीं, शिरडी छोड़कर चला जाऊंगा। अरे राम राम राम, द्वारिका नाथ जी, जौहर बाबा तो गड़बड़ कर रहे हैं। और हाँ, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ साईं भी आएगा। देखा वैद जी, जौहर बाबा ने कैसा धोबी पछाड़ मारा है। सत्य वचन द्वारिका नाथ जी, सत्य वचन। बाबा आपके साथ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों साईं बाबा? मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं गुरुदेव, आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। आप मुझे जहां ले चलेंगे मैं चलूंगा। सुना आपने महालसापति, साईं क्या कह रहा है, हैं? समझ में आया कि नहीं? साईनाथ, आप हमें छोड़ जाएंगे? महालसापति, शिष्य वही होगा ना जहां गुरु होंगे। देवा, साईं बाबा। बाबा, साईं, हम कल ही शिरडी छोड़कर चले जाएंगे।
सबका मालिक एक। साईं शिरडी छोड़कर चले जाएंगे, इसकी कल्पना भी करना मेरे बर्दाश्त के बाहर है। शिव, बिना साईं बाबा के द्वारिका माई हमें खाने के लिए दौड़ती थी, और अब कल जब साईं बाबा जौहर के साथ शिरडी छोड़कर चले जाएंगे तो ये शिरडी निष्प्राण हो जाएगी। होनी अनहोनी की बातों में उलझकर आप सभी साईं बाबा के बोल भूल रहे हैं। साईं बाबा शिरडी में ही रहेंगे अवतार समाप्ति तक। साईं बाबा शिरडी को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाएंगे, ये बात उन्होंने बार बार की है। मैं तो सर्वव्यापी हूं, विश्व के समस्त भूतों और चराचर में व्याप्त होकर भी अनंत हूं। मुझ पर पूर्ण विश्वास करो, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूं, हमेशा उनका साथ देता हूं। मेरा अवतार कार्य पूर्ण होने के बाद, देह त्यागने के बाद भी मैं भक्तों का साथ दूंगा, भक्तों के साथ रहूंगा। मैं नहीं रहूंगा, परंतु मेरी समाधि भक्तों से बोलेगी, भक्तों को सुनेगी और उन्हें यह विश्वास दिलाती रहेगी कि मैं हूं। मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएगा उसका उद्धार मेरी समाधि करेगी। इसलिए निराश ना होना कि मैं तुमसे विदा ले लूंगा। मेरे जाने के बाद भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता रहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा मेरी समाधि को, मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए चिंतित पाओगे। सबका मालिक एक। वैद्य जी, अब वही होगा शिरडी में जो हम चाहते थे। हाँ, अब वो साईं शिरडी से चला जाएगा। राम राम राम। अरे हमारे लिए भी प्रश्न बन गया था कि कैसे जौहर बाबा से कहें कि वो इस ढोंगी साईं को लेकर यहाँ से दफा हो जाए। परंतु द्वारिका नाथ जी, इस प्रश्न का उत्तर खुद जौहर बाबा ने ही दिया है। हाँ। भगवान, अब सारी शिरडी में आपका राज होगा। सत्य वचन, सत्य वचन। अरे साईं बाबा के उपदेश आप तीनों इतनी जल्दी भूल गए हैं? राम राम राम। द्वारिका नाथ जी, इस ढोंडिया को क्या हुआ है, हैं? जब देखो उस ढोंगी साईं की तारीफ ही करता रहता है, हैं? वैद्य जी, आप क्या चाहते हैं? मैं इस जाड़िए षड्यंत्रकारी द्वारिका नाथ जी की तारीफ करूं? ढोंडिया, ज्यादा मत बोल वरना सर फोड़ दूंगा तेरा। सर फूटने से पहले साईं बाबा के प्रवचन सुन लीजिए। वैद्य जी, अगले पल में क्या होगा कोई नहीं जानता, केवल वो जानता है। वो कौन ढोंडिया? सबका मालिक साईं बाबा। हाँ, मैं साईंनाथ का ये उपदेश भूला नहीं हूँ। साईंनाथ ने हमेशा हमारे साथ रहने का वादा किया है हमसे। फिर आप निराश क्यों हो रहे हैं?
निराशा को मैंने अपने मन से हटा लिया है सुशीला। अब हमें साईं बाबा को मनाना होगा कि वो शिरडी छोड़कर ना जाएं। फिर वही बात। अरे बात वही है और उस बात के पीछे पीछे की भावना भी वही है माँ जी। साईं बाबा शिरडी में ही रहेंगे तो हमें हर रोज भगवान के दर्शन तो होंगे। भगवान के सामने उनके निकट रहेंगे तो अपना उद्धार तो कर लेंगे हम। नूर बहन सची तो कह रही है राधा बाई, भगवान के सानिध्य में रहने का अवसर हमें हर जन्म में थोड़ी ना मिलने वाला है। अरे अरे बस बस, और कितना परोस रही हो। मेहनत करने वाले मर्दों को भरपेट खाना चाहिए। मेरा पेट भर गया है इतना सा खाकर। तुमने इसे क्यों बुला लिया है माँ? शत्रु बनी हुई है मेरी। शत्रु नहीं बेटा, मित्र है तुम्हारी। अरे इसके तो नाम में ही मित्र है, मित्रा सुमित्रा। जानकी बहके जा रही जा रही जा रही हमेशा हमेशा के लिए। वो आप इस घर में लौट कर नहीं आएगी। जानकी बेटी। जी माँ। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा रही हूँ माँ। जानकी तुम रो रही हो? नहीं नहीं माँ, खाना तीखा लगा ना, इसीलिए आंखों में पानी आ गया। जानकी सब ठीक तो है ना बेटी? अरे सब ठीक है, क्यों उल्टे सुल्टे सवाल करती हो उससे? देखा नहीं हमारे जमाई बाबू कितना प्यार करते हैं हमारी जानकी से। जानकी जानकी क्या हुआ बेटी? अब खाना हो गया माँ। उलझने जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमारे लिए दुनिया का एक दरवाजा भी जब बंद होता है तो हमारी फिक्र शुरू हो जाती है। जब हमारे अपने हमारी तरफ पीठ कर लेते हैं तो हमें दुख होता है। हम अपने आप को अपमानित मानते हैं। जिंदगी में हमें बहुत से शुभ चिंतक मिलते हैं लेकिन उनसे भी ज्यादा मिलते हैं अशुभ चिंतक। हमारा बुरा सोचने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले, जो हमारी खुशियां छीन लेते हैं। हम हर पल ये सोचते रहते हैं कि आखिर हमने उनका क्या बुरा किया है। हमने तो सदा उनके लिए दुआ की है और सदा उन्हें दुआएं दी हैं, तो फिर ये हमें बद्दुआ क्यों देते हैं? अपनी पुरानी यादों को भूल जाने के लिए हम भूतकाल का, गुजरे हुए कल का दरवाजा बंद कर सकते हैं। हम वर्तमान में जीते हैं, भविष्य पर नजर रखते हुए। लेकिन जब कोई हमारे भविष्य का भी दरवाजा बंद कर देता है तो हमारा ध्यान बिखर जाता है, किसी एक चीज पर हमारा ध्यान नहीं रहता। जब हमारा ही अपना कोई हमारे लिए हमारे ही घर का दरवाजा बंद कर देता है तो हमारे दिल को गहरी चोट पहुंचती है और ऐसे जख्म कभी भरते नहीं, क्योंकि तब हमें दिखाई देता है कि हमारा हमसे दूर चला जा रहा है। हमारे रिश्ते हमारा साथ छोड़ रहे हैं, हमारे नाते टूट रहे हैं, हमारे अपने हमारे लिए
पराए हो रहे हैं। जिंदगी में जो सपने हमने देखे थे वो कांच की तरह गिरकर टूटकर बिखर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो इंसान भी टूटता है, उसका किसी पर विश्वास नहीं रहता, फिर उसका रिश्ता बनता है आंसुओं से, उसका रिश्ता बनता है दुख दर्द वेदना से, और फिर पुरानी यादें दुखदाई हो जाती हैं, शत्रु बन जाती हैं और जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में इंसान को मालिक से रिश्ता बनाना चाहिए। आंसुओं से सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि आंसू इंसान को कमजोर बनाते हैं। मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा करो, आस्था रखो, सब्र करो, कल्याण होगा। भाभी, हाँ, तुम और भैया एक तरफ और मैं और रघु एक तरफ, ठीक है। रघु, इस खेल में थोड़ा सा झूठ चल सकता है। हाँ, झूठ मतलब हाथ में पत्ता है लेकिन सामने वाला ना जीत सके इसलिए हुकुम के पत्ते से काट सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा सुमित्रा, ये तो धोखेबाजी है। हाँ। सुमित्रा ने तो जैसे इस घर को नया जीवन दे दिया है। लेकिन तुम तो रघु को नया जीवन देना चाहती थी ना? तो नया जीवन ही समझो। दूसरी पत्नी सुमित्रा हमारे रघुनाथ के लिए खुशियों से भरा नया जीवन ही तो है। तुमने ठीक सोचा है, सुमित्रा के साथ रघु रहेगा तो धीरे धीरे अपनी पिछली जिंदगी भूल जाएगा। साफ साफ क्यों नहीं कहते आप कि रघुनाथ उस दरिद्र नारायण कंगाल की बेटी को भूल जाएगा? ये क्या किया माँ? जो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, मुझे इस घर में ये दरिद्र नहीं चाहिए, जिसकी वजह से आज मेरे बेटे ने मेरा अपमान किया है। मुझे ये लड़की यहाँ मेरे घर में नहीं चाहिए। देख रही हूँ ससुराल से आने के बाद जानकी खुश नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। बार बार दरवाजे की तरफ देखती है जैसे कोई आने वाला है। हो सकता है रघुराम जी आने वाले हों। मुझे तो लग रहा है जानकी अपने मन से मायके नहीं आई है, तभी तो उसका मन यह है ही नहीं। कहीं पति पत्नी में कोई अनबन तो नहीं हुई? सरस्वती, तुमने देखा नहीं दोनों कैसे एक दूसरे को चाहते हैं? तो फिर ऐसा क्या है, क्यों बेचैन है जानकी, क्यों परेशान है हमारी बेटी? कौन सा दुख है जो उसे दर्द दे रहा है
ऐसी कौन सी वेदना है जो उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रही है? मुझे तो उसकी चिंता होने लगी है जी। कहीं रघुराम जी की माँ तो जानकी पर नाराज नहीं हुई होंगी? माँ का दिल हमेशा अपनी बेटी की भलाई के लिए धड़कता रहता है। बेटी पास होती है तो उसे इसी बात की चिंता रहती है कि बेटी को अच्छा पति, अच्छा ससुराल मिले। और जब बेटी ससुराल जाती है तो वो वहां कैसी है, खुश है कि नहीं, यही सोच उसे परेशान करती रहती है। बार बार उसके दिमाग में ये सवाल उठते हैं कि बेटी का पति उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है या नहीं, उसके ससुराल वाले उसे सम्मान देते हैं या नहीं, और हमारी बेटी अपने सास ससुर का सम्मान करती है या नहीं, उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखती है या नहीं, घर के दूसरे सदस्यों का उसके साथ कैसा व्यवहार है, और उनकी बेटी ननद, जेठ, देवर, देवरानी के साथ इज्जत से पेश आती है कि नहीं। एक ही पल में सैकड़ों प्रश्न, तरह तरह के शक, संशय उसे परेशान करते ही रहते हैं। अपनी बेटी के लिए हर कष्ट सहने वाली, बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने वाली बेटी के लिए हर दुख, हर दर्द बर्दाश्त करने वाली मां बेटी की आंखों में आंसू देखती है तो डर जाती है, बेचैन हो जाती है। कुछ नहीं कर सकती तो प्रार्थना करती है। साईं बाबा, जानकी आपकी भक्त है, आप पर उसकी श्रद्धा है, उसे विश्वास है कि आप मालिक हैं, परंतु मेरा मन न जाने क्यों उसके बारे में सोचकर बेचैन है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जानकी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही है। साईं बाबा, यदि उस पर कोई संकट है तो वो संकट मुझे दे दीजिए बाबा। उसकी राह में अगर कोई कांटे हैं तो वो कांटे मेरी राह में डाल दीजिए बाबा। मेरी बच्ची को संकट मुक्त कर दीजिए बाबा। उसका रास्ता फूलों से भर दीजिए। मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी ऋणी रहूंगी, आपकी ऋणी रहूंगी बाबा। बेटी को सारा सुख देकर उसके हिस्से का सारा दुख अपनी झोली में लेना चाहती है मां। बेटी को दर्द होता है तो जिसके मुंह से आ निकलती है वो है मां। बेटी को खुश देखकर खुश होती है मां। बेटी की पेशानी पर बल देखते ही परेशान होती है वो है मां।
मायका और ससुराल में रहने वाली बेटी को जोड़ने वाला नाजुक धागा है मां, एक ऐसा आकर्षण जो ससुराल में रहने वाली बेटी को मायके की तरफ खींचता है, वो है मां। अपनी ब्याही हुई बेटी की सहेली है मां, उसकी मार्गदर्शक है मां। उसका आधार, उसका विश्वास, उसकी छत्र छाया, उसका सब कुछ है मां। सबका मालिक